नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल हांसी की आवाज से। भारतवर्ष में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और खासकर भारत की एक पहचान है कि यहाँ 2400 यानी कि पूरा 24 घंटे और 12 साल में यहाँ का नागरिक हमेशा चुनावी मोड में रहता है। चुनावी मोड आप समझ रहे हैं इंद्री कि भी 2400 घंटे या 12 साल चुनावी मोड में होना, यानी कि 29 स्टेट हैं पूरे देश में और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। अभी हाल ही में हम लोकसभा का चुनाव, 17वीं लोकसभा का चुनाव का गठन कर चुके हैं और प्रचंड बहुमत से बीजेपी पावर में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिटेन किया अप्रत्याशित बहुमत, जिसे कहें हम, तो बीजेपी लेकर आई है। उसके बाद हरियाणा स्टेट में चुनाव होना है। हरियाणा स्टेट एक ऐसी प्रॉस्परस स्टेट है, यहाँ का वोटर बड़ा अवेक है, जागरूक है। आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे सुलझे हुए राजनीतिज्ञ रूबरू करवाने जा रहा हूं मैं उनको आपसे। आप हैं पूर्व में पावर मिनिस्टर रहे और अन्य पोर्टफोलियो भी उनके साथ थे। हरियाणा विकास पार्टी का जो पावर में आई थी चौधरी बंसीलाल जी की कैबिनेट में, आप नेक्स्ट मुख्यमंत्री कहलाते थे और उसके बाद आप थोड़ा सा कांग्रेस में रहे, उसके बाद इनेलो में रहे। आप हैं पूर्व मंत्री श्रीमान अदर सिंह जी सैनी। अदर सिंह सैनी जी के थोड़ा सा ब्रीफ मैं कर दूं। बुजुर्ग इनके पिता चौधरी ईसा सिंह सैनी जी 1971 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर विधायक रहे। उन्होंने हमेशा साइकिल पे चल चल के राजनीति को एक समाज सेवा का जज्बा दिया और वही संस्कारों को लेकर एक एडीए, जिसे मैं कहूँ कि सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नौकरी त्याग कर कुछ दिन इन्होंने अपनी प्रैक्टिस की। उसके बाद ये सक्रिय राजनीति में आए और राजनीति को क्या मायने रखते हैं इनके लिए, राजनीति को ये समाज सेवा समझते हैं या एक राजनीति ही समझते हैं, आइए इनसे जानते हैं। और हरियाणा की राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर, इश्यूज के ऊपर इनसे बात करते हैं। खासकर आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी पार्टी में हैं और पिछले दिनों आपने लोकसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका अदा करके हिसार लोकसभा क्षेत्र से विजेंद्र सिंह, जो आईएएस से वीआरएस लेकर मैदान में कूदे थे, विजेंद्र सिंह लेकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल करके उनको विजयश्री दिलवाई। तो ऐसा मानना है हमारा कि आप जितने अच्छे राजनीतिज्ञ हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। तो हांसी की आवाज़ मीडिया पर आपका हम स्वागत करते हैं सनी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सनी साहब। हम आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं। लोकसभा में प्रचंड बहुमत आया बीजेपी, आप बीजेपी में, हरियाणा विकास पार्टी में पावर मिनिस्टर रहे, उसके बाद दो एक पार्टी आप ज्वाइन किए, कुछ अर्सा आप कांग्रेस में रहे, फिर इनेलो में भी रहे, फिर आप पिछले दिनों काफ़ी दिन पहले आप बीजेपी में इंडक्ट हो गए। तो बीजेपी सबसे पहले आपको क्यों अच्छी लगती है, बीजेपी में क्या खसूसियत है और बीजेपी पार्टी में ऐसा क्या है कि जो आपको मन भा गई और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता के रूप में आप उभर गए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जी, जो आपने मेरे को सभी दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया जी। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी मेरे को क्यों ठीक लगी, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी में जो नीतियाँ हैं वो जनहित की नीतियाँ हैं और उन नीतियों को कमिटमेंट है। हमारे जो नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी आतंकवाद के खिलाफ
भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रतिबद्धता थी, कमिटमेंट थी, और उस कमिटमेंट को उन्होंने पूरी ईमानदारी से लागू किया। उससे लोगों में विश्वास हुआ कि ये हमारा देश को बचा सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं, और देश के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे आदमी हैं जो ठीक डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए उस बात का, उसकी विश्वसनीयता का, ये परिणाम निकला कि जो दूसरे भी साथी थे उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा, और हमने खुद ने भी ये नहीं सोचा था कि भाई इतने वोटों से जीत होगी, इतना जन समर्थन हमारे को मिलेगा। वो उनकी नीतियों का और उनकी नीतियों के प्रति जो ईमानदारी से प्रतिबद्धता थी, इच्छा शक्ति कमिटमेंट, उसके कारण लोगों में विश्वास हुआ। और हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं, उनकी जो स्पष्टवादिता है, उनकी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की संकल्प है, उनका जो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई का संकल्प है, उनका जो परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई का संकल्प है, उनका जो क्षेत्रवाद के खिलाफ लड़ाई का संकल्प है, उससे प्रभावित होकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इन बातों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। ये रहा आपका ज्वाइन करने का जी, यानी कि मूड बना आपकी, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आप प्रभावित हुए। हाँ, प्रभावित भारतीय जनता पार्टी में। आपने कांग्रेस को देखा, उसके हश्र को देखा, इनेलो को देखा, उसके हश्र को देखा, कैसे ताश के पत्ते की तरह बिगड़ती हुई देखा, और बीजेपी उभरती रही। लोकसभा में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत लिया जी, मोदी जी की वेव चली, एक तूफान चला, एक साइक्लोन चला, ऐसा आंधी आई, सारी की सारी पार्टियाँ जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ जहर उगला था वो धाराशाही होती हुई नजर आई। अब स्टेट की बात आती है, स्टेट में अक्टूबर में चुनाव होना है। मैंने बताया कि हमारा देश जो है 12 महीने चुनावी मोड में रहता है, मतलब कि स्टेट में 7 महीने टेरिटरी है, कहीं ना कहीं चुनाव रहता है। अब अक्टूबर में चुनाव होना है, हाँ जी, और चुनाव का आज मैं पढ़ रहा था कि भी चुनाव आयोग ने भी यानी कि सितंबर में अधिसूचना जारी करने का फैसला किया है और अक्टूबर में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में स्टेट इश्यूज कुछ अलग होते हैं लोकसभा, होते हैं, आप भी मानते हो, इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? मानता हूँ, होते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भी खट्टर जी आपके मुख्यमंत्री जी, जिनका आपने पूरा प्रोफाइल पढ़ दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सब कुछ है, जात पात में विश्वास नहीं करते, वो हमसे पूछेंगे कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक कैसे करते हैं वो। लेकिन अब क्या लगता है कि भी 75 सीट का जो क्लेम मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या पहले दूसरी लड़ेगा? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और पहले से बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। और मेरा तो ये मानना है कि अगर ठीक ढंग से प्रत्याशियों का चुनाव हो गया, कहीं प्रत्याशियों के चुनाव में अगर थोड़ा बहुत चूक ना हुई, तो एक इतिहास बनेगा। पिछले बार का इतिहास है 85 सीटों का चौधरी देवीलाल का, वो भी शायद टूट जाए, मेरा खुद का ये मानना है। क्योंकि अगर कहीं हार होगी तो प्रत्याशी की वजह से होगी, पार्टी की वजह से नहीं होगी, मुख्यमंत्री जी की वजह से नहीं होगी। प्रत्याशी में अगर दोष है तो वो भी लोग देखेंगे, क्योंकि लोकल बातें आ जाती हैं जी। वो हमारी पार्टी बढ़िया से बढ़िया आदमियों को टिकट देगी और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, मेरा ऐसा मानना है। सर, जब चुनाव का समय आता है, जब बिल्कुल चुनाव किनारे पर होता है, टिकट आवंटन का समय आता है जी, बांटी जाती है जी, उस वक्त जिसको टिकट नहीं मिला और वो झंडा बरदार होता है उस पार्टी का, तो बरखिलाफ बोलने लगता जी, इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश करता है, या दूसरी पार्टी ज्वाइन करके वहाँ से टिकट हासिल करने लगता है जी। यहाँ हांसी की बात करते हैं, हांसी एक टिकट है, हांसी में तो सभी जगह एक है, एक पार्टी की एक ही है, सभी जगह एक है ना। हाँ, और प्रत्याशी यानी कि जिन्होंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करा, हाँ, मैं सिलसिलेवार की बात, पिछले दिनों विनोद ज्ञाना जी
कांग्रेस छोड़कर मुख्यमंत्री के भूपेंद्र हुड्डा के बड़े खैर खबर है, उन्होंने उनको CPF बनाया, उनको एक उधार दिया, कभी उनसे उनकी नजाकत भी नहीं हुई। अब वो अपॉर्चुनिस्ट होकर वो उन्होंने BJP को ज्वाइन किया। जी जी। उसके बाद जो कहीं कांग्रेस में मिनिस्टर रहे किसी योजना में, छत्रपाल जी जी हैं, काफ़ी अर्से से BJP में जी, आप भी BJP में आ गए हैं इनको छोड़ के पिछले दिनों, और ऐसे लोकल कैडर बेस जो अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं, तो ऐसे में दर्जनों नाम ऐसे आते हैं जी जो पार्टी की टिकट के चाहमान, क्यों ना हो चाहमान जो पार्टी का प्रोफाइल इतना होता है, तो उसमें हम अतर सिंह सैनी को कहाँ खड़ा देखते हैं कि वो टिकट के कितने करीब हैं, या पूरा हाँसी उनको या मुख्यमंत्री जी कितना चाहते हैं कि हाँसी से आप जैसा एक व्यक्ति तो टिकट देकर आगे MLA बना। देखो आपका कितना क्लेम? मेरा तो पूरा का पूरा क्लेम है। क्या क्लेम है वो बता देता हूँ। क्यों है क्लेम? हाँ, क्यों है? आप तो अभी आए हैं पार्टी में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर एक बात कहते हैं, बड़े ठोक के कहते हैं, तार ठोक के कहते हैं, छत्ती ठोक के कहते हैं कि मैं योग्यता पे नौकरी देता हूँ और मैं योग्यता के आधार पे काम करता हूँ, तो मैं योग्यता के आधार पर टिकट मांग रहा हूँ, मैं किसी और बात पे टिकट नहीं मांग रहा। मेरे से योग्य अगर हमारी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता है जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, सब छवि का हो, उसको दे दें, मैं पूरी सपोर्ट करूँगा। इसमें राजेश टकराल कहते हैं मैं कैडर बेस, मंजू टुटेजा कर मेरे पास आए, फोन आया कि मैं टिकट की दावेदार, नेहा धवन जी स्पोक्स पर्सन है, उनको कहती है कि टिकट मेरी झोली में है। उधर विनोद भ्याना जी कहते हैं कि मैंने क्या गुनाह किया है पार्टी ज्वाइन करके कि टिकट का असली दावेदार मैं। मैं 24 घंटे वीरेंद्र के साथ लगा रहा जो लोकसभा के अभी मेंबर बने हैं, इधर आपका भी क्लेम है। तो ऐसे भ्याना जी जब आते हैं फिल्म में तो वो कहते हैं दावा पर ठोक के कहते हैं कि टिकट मेरे पास ही है, टिकट मैं ही लूँगा। नेहा धवन जी कहते हैं कि अगर विमन को टिकट मिलती है, किसी महिला को टिकट मिलती है या किसी अन्य को मिलती है, तो सबसे क्लेम मेरा। ऐसे में हम अपने आप को कहाँ स्टैंड कर पाते हैं हम, यानी कि इनमें क्या कोई कंपेरेटिवली अगर स्टडी की जाए तो हमसे मतलब आपका मेरा है या सबका है ना? हमसे मेरा मतलब है ना, मैं तो सिर्फ मेरिट के आधार पे टिकट को क्लेम कर रहा हूँ, योग्यता के आधार पर क्लेम कर रहा हूँ। बाकी सभी जितने आपने नाम लिए हैं सभी बहुत काबिल हैं और सबको अपना अपना क्लेम करना चाहिए। ये फैसला पार्टी ने लेना है कि कमल का फूल ऐसे किसी आदमी के हाथ में नहीं चला, किसी प्रत्याशी के हाथ में नहीं देना चाहिए जो वो मुरझाने लग जाए। एक और है, जब विधानसभा का चुनाव आता है, छोटा चुनाव आता है, यहाँ फास्ट एंड फ्यूरियस बहुत फैक्टर जी जाता है जी, और इसमें जातीय समीकरण भी देखे जी, तो जातीय समीकरण में जब आते हैं तो वहाँ जहाँ जिस कास्ट का बाहुल्य होता है तो पार्टी वहीं उसकी विनिंगबिलिटी देख कर उसकी तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है, उसकी तरफ उसका झुकाव होता है। तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये जातीय समीकरण में एक फैक्टर काम करेगा टिकट के समय में या नहीं? ऐसा है बाकी पार्टियों में तो ऐसा है कि वो जातीय समीकरण देखते हैं। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, और हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो पार्टी ये कहती है कि यहाँ पे हरियाणा एक, हरियाणा में एक, हम किसी जाति पाति की बात नहीं करते, हम तो योग्यता की बात करते। वो उनका आधार, हमारी पार्टी का आधार है योग्यता, और उस योग्यता पे ही मैं क्लेम कर रहा हूँ। आप बार बार मुझे एक बात के लिए बुलवाने पर मजबूर कर रहे हैं कि हरियाणा एक, हरियाणा यह मुख्यमंत्री जी का एक क्लेम दावा है, दावा है। लेकिन जब हम हांसी शहर की दुर्दशा को देखते हैं, यहाँ मुझे ये दावा थोड़ा सा फीका लग रहा है, क्योंकि यहाँ विपक्ष की विधायिका थी रेणुका मिश्रा जी, लेकिन आपके कोई अलग नहीं, आपके निगाह में होगा शायद हांसी का विकास, कि हांसी की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है और शायद आपसे भी नहीं है। तो यहाँ की दुर्दशा का कारण क्या है? क्या यहाँ पॉलिटिकल वेंडेटा से कि विपक्ष के विधायक है यहाँ विकास नहीं हुआ, ऐसा है या हरियाणा एक हरियाणा मिथ्या बोलने मात्र? हाँ मैं बताऊँ, ऐसे है
माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 90 के 90 हलकों का दौरा किया। 90 के 90 हलकों में उन्होंने बराबर की ग्रांट दी। कहीं ज़्यादा कम तो हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन हंसी की जहाँ तक बात है कि यहाँ पे रुपये आया लेकिन वो लग नहीं पाया, क्योंकि कई बार म्यूनिसिपल कमेटी में, क्योंकि सरकार पैसा दे सकती है, लगाने का काम तो पंचायत का और म्यूनिसिपल कमेटी का है, वहाँ पे उनके अपने डिफरेंसेज रहे, हाई कोर्ट में केसेस चले, तो उस वजह से यहाँ दिक्कत आई है। पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है कि भाई यहाँ विपक्ष की विधायिका इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई पैसे देने में कोताही की हो, ऐसी बात नहीं। पैसा यहाँ है, लगाने की बात यहाँ तक आती है, वो एजेंसी अलग है। तो विधायक को आप यहाँ की जो रेणुका बिश्नोई है उसको कॉम्पिटेंट और कैपेबल मानते हो? नहीं, ऐसा है, कॉम्पिटेंट तो वो है ही, जो प्रतिनिधित्व करती हैं कोई भी हो जाए वो कॉम्पिटेंट तो होता ही है। रही बात उसके प्रयास की, उन्होंने प्रयास नहीं किया, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लेवल पे हरियाणा एक हरियाणवी एक सबका साथ सबका विकास इस नारे को चरितार्थ करते हुए सबको दिया, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे पोजिशन का हो। फर्क इतना होता है, पोजिशन का हो तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया होगा, पोजिशन का तो कम दे दिया होगा, इतना तो हो सकता है, लेकिन सबको दिया। अब उसको लगाने का तरीका या लगाने वाली एजेंसी, उसमें कोई खोट हो, उसमें थोड़ी सी देर हुई हो, तो वो फिर हमारी सरकार का या हमारे मुख्यमंत्री जी का तो कसूर नहीं कह सकते ना जी। मेरा ये मानना है। अब आपको क्या लगता है कि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी दोबारा से रिटेन करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि एक स्टेट इश्यूज अलग है, कांग्रेस भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, यानी कि ऐसा पॉलिटिकल गलियारों में, राजनीतिक सफेद में ऐसी बात चल रही है कि वो भर कर आ रही है, इधर इनेलो का और जेजेपी का भी कुछ सिनेरियो चेंज होता आ रहा है, तो ऐसे में डगर कितनी आसान है बीजेपी की 75 सीट का जो क्लेम कर रहा है? हम तो 75 का क्लेम कर रहे हैं पार्टी वाले, और टारगेट भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने 75 का ही दिया। मैं इसे एक कदम आगे भी जा रहा हूँ, अगर प्रत्याशियों का चुनाव ठीक ढंग से हमारी पार्टी ने कर दिया, किसी दागी को टिकट नहीं दी, साफ छवि के आदमी को टिकट दे दी, तो शायद 90 की 90 ले जाएं। आप तो 85 की 75 की रूस की बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सीट हारती है तो वो सिर्फ हमारी प्रत्याशी के चयन की प्रतिक्रिया उंगली पकड़ने को कहा था आपने, तो हमारा पूछा ही पकड़ा। मैंने नहीं पकड़ा, जनता बोल रही है। अच्छा, क्योंकि खट्टर साहब ने, हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी कोई परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ करके दिखाया। जैसे पीछे नौकरियां निकली, नौकरियों में उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, अपोजिशन वाले भी लगे, गरीब से गरीब भी लगा, हर बिरादरी का लगा, तो उन्होंने जातिवाद को खत्म किया, करके दिखाया। इसलिए लोगों में एक विश्वास है कि प्रदेश की कमान माननीय मनोहर लाल जी खट्टर के हाथ में होगी तो हम सुरक्षित होंगे, गरीब को ये विश्वास है। वहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, जो मैं 90 से एकाधिक कम बता रहा हूँ, वो वहाँ आएगी जहाँ कोई भ्रष्ट राजनेता भ्रष्ट तरीके से मैनिपुलेट करके, जैसे आपने पहले कहा कि वो कोशिश करते हैं इधर उधर जाके सत्ता हथियाने की, अगर वो सत्ता हथियाने, सत्ता तो चलो देना ना देना जनता का हाथ में, टिकट हथियाने में कामयाब हो गए, मैंडेट तो जनता ही, वहाँ दिक्कत आएगी, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। साफ छवि के आदमी को किसी को दे के भेज देना। सर बाय द वे, एक कि भी आप विधायक बनते हैं, विधायक बनने के बाद तो आपका प्रोफाइल और बड़ा हो जाता है, मंत्री नेचुरली आपको मंत्री पद में ले लिया जाएगा, तो हांसी के विकास के लिए, हांसी का विकास पहले भी आपने कराया है मंत्री काल में, तो हांसी के विकास की क्या आपकी योजना है, क्या आपकी प्लानिंग है, हांसी को किस स्टेटस पे, और ख़ासकर हांसी को जो आधा अधूरा जिला है, ये आपके जहन में है कि आधा अधूरा जिला है, ये पूरा जिला मानते हैं? पहले मुझे बताइए कि आधा जिला है। अभी बता देता हूँ, हाँ, अरे इसको पूरा जिला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बता देता हूँ। हमें हाइपोथेटिकल बात करता हूँ, आप मंत्री हैं, आप विधायक बन गए बीजेपी से, बीजेपी पावर में आ गई, आप मंत्री बन गए, और हांसी आधा अधूरा जिला है, तो आप इसको पूरा जिला करेंगे, और इसके बाद क्या प्लान करेंगे या नहीं करेंगे?
राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने मेरे को वहाँ तक पहुँचा ही दिया। मैंने हाइपोथेटिकल कहा है। हाँ, हाइपोथेटिकल कहा है, तो मैं भी कहने लग रहा हूँ आपका शुक्रिया। हाँ, क्योंकि अच्छी बात उनको हर आदमी को अच्छा लगता है। आपने अच्छा कहा, आपके मुँह में घी शक्कर। अब रही बात बनने की, अगर भगवान ने मौका दिया, जनता ने मौका दिया, आशीर्वाद दिया और खट्टर साहब ने आशीर्वाद दिया जी, तो सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता होगी हांसी को जिला बनाने की। क्या बात। दूसरी प्राथमिकता मेरी ये होगी कि हांसी के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस। जीरो से भी कोई और नीचे होता तो वो बता। क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को तंग करती है, हर नागरिक को तंग करती है। अगर हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देते हैं तो नागरिक अपने आप ही सुखी हो जाएगा। उससे अगली बात मेरी होगी कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर। कोई आपको गुंडा नहीं मिलेगा, कोई दबंग नहीं मिलेगा, कोई किसी को सेंकने वाला नहीं मिलेगा। ये तीन मेरी प्राथमिकता होगी। चौथी प्राथमिकता मेरी ये होगी कि बिजली पानी, वो तो शायद भगवान की दया से मेरा पहला टेन्योर था उसमें भी ठीक रहा, उससे भी बेटर करूँगा। और फिर विकास की बात है, नौकरियों की तो बात ही नहीं, वो तो अपने आप लेता है सर, जो भी आदमी अपने आप लग जाता है। सर, जब जीरो टॉलरेंस की बात आती है तो सीएम इन लोगों की बात आती है। सीएम इन लोगों में स्टिंग यानी कहा जाता है कि धांधलीबाजी होती है, तो कारगर नहीं सिद्ध हो रही है। और पिछले दिनों नगर परिषद के अंदर जो आपस में रिफ्ट होते हैं, यहाँ बड़ा ऐसा सीनरियो देखा गया कि ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा जो हम दावा करते हैं जीरो टॉलरेंस। सीएम विंडो एक व्यवस्था है, किसी को कोई तकलीफ हो तो वो वहाँ बता सकते हैं। उसके बाद जो उसका समाधान करने का तरीका है, उसमें अगर कहीं गड़बड़ है तो उसको ठीक करें। व्यवस्था बहुत बढ़िया, जैसे प्रजातंत्र है हमारे देश में, बहुत बढ़िया व्यवस्था। लेकिन प्रजातंत्र में अगर भ्रष्ट लोग सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, बेईमान लोग सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, तो फिर वो उसको भी भ्रष्ट कर देते हैं, उस व्यवस्था को खराब कर देते हैं। मेरा एक ही मानना है कि जो भ्रष्ट राजनीतिक है, लालची है, बिकाऊ है या और तरह की जिसमें अवगुण है, ऐसे आदमियों को वो क्या करते हैं कि वो अवसरवादी का लाभ उठा के हर जगह अपनी सेटिंग करके कोशिश करते हैं कि राज सत्ता हथिया लें। तो हर राजनीतिक दल का ये फर्ज बनता है, मैं का नहीं कर रहा, मैं सभी का कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखें तो समाज का निर्माण। सर, एक मैं बड़ा एम्बरेसिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे। अतर सिंह सैनी जी के बारे में कहा जाता है कि वो फोन नहीं रखते, मैं उनसे क्या तारतम्य कैसे सामना रहा है, उनसे बातचीत कैसे की जाए, क्या आपने फोन रखना शुरू कर दिया है, या अगर रख दिया है तो हमें दिखाइए कौन से मॉडल का फोन दिया है। ये बात ठीक है आपकी, पहले मैं फ़ोन नहीं रखता था, अब कोई 15-20 दिन से मैंने फ़ोन रखना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये मेरे पास भी बात आई, कार्यकर्ताओं ने भी कही, साथियों ने भी कही, नेताओं ने भी कही कि भाई रख ले, तो भाई मैंने वो रखना शुरू कर दिया। और दिखा दे भाई वो कहाँ है, ये रहा, ये तो फ़ोन है और इसका नंबर है 98। अच्छा, सार्वजनिक कीजिए सर। 174-174-555-23। सार्वजनिक है तो सार्वजनिक है, और नहीं होता तो फिर मैं मना ही कर देता हूँ। मैं लुका छुपी का खेल मैंने कभी किया ही नहीं। ये रही थोड़ी सी हमारी हल्की फुल्की बात सैनी साहब से। सैनी साहब, हम आपके राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप हमारे बड़े प्रिय साथी भी रहे हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, और आपने हमारी हर बात का बड़े विवाह से उत्तर दिया, हर क्वेश्चन का आपने बड़े विवाह से उत्तर दिया। और इसी तरह आप राजनीति में आगे बढ़ें, आप अपना कद बढ़ाएं। और राजनीति में कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, राजनीतिक सुविधा की शादी है। इसे नेगेटिव सेंस में ले ले तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट होते हैं पॉलिटिकल, लेकिन ये एक राजनीति का हिस्सा है। कहीं दल बदलना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सभी बदल के इधर उधर आते हैं। और ये
अच्छे इंसान हैं, आपने हमें आज समय दिया, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि आप उम्र दराज रहें, सेहतमंद रहें एंड टेक केयर योर सेल्फ। मित्रों, हंसी की आवाज़ एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो जिससे हमें बहुत मोहब्बत मिलती है, दर्शकों आपकी बहुत प्यार मिलता है, आपका फीडबैक मिलती है आपसे, हमें फीडबैक हमेशा हमें दीजिएगा। हम इसी तरह ऐसी पर्सनैलिटीज से, ऐसे राजनीतिज्ञों से और ऐसे सामाजिक सरोकार करने वाले व्यक्तियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। एक शर्त पर, आप हंसी की आवाज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइएगा, इस वादे के साथ कि एक ऐसी व्यक्तित्व को फिर आपके सामने रूबरू करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन जुड़े रहिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।